अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजिया। आज हम आप लोगों के साथ चावल का मीठा मुतंजन की रेसिपी शेयर करेंगे। ये मीठा बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मीठा हम कलरफुल बनाएंगे, आप कोई फंक्शन पार्टी पे भी बना सकते हैं, हम इस पर फातिहा दिलाएंगे। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं कुछ मेवे, ये किशमिश है, ये टूटी फूटी है, एक ग्रीन और एक रेड है, ये चेरी है, ये पतले पतले स्लाइस में हम नारियल कट कर लिए हैं, और ये पिस्ता है, और ये काजू है, ये बादाम है। इसको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा देसी घी में। और ये चावल है, ये बासमती है, इसको हम भिगा दिए हैं। एक पाव चावल लिए हैं और एक पाव ही हम शुगर लेंगे, और एक पाव शुगर में से हम थोड़ा सा दो चम्मच निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। खोया है, इसको हम खोया घर में बनाए हैं। ये देखिए हम पैन चढ़ा दिए हैं, पैन में हमारा पानी बॉईल हो गया है, अच्छा सा बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम यही चावल को डाल देंगे और इसको हम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अब चावल को हम डाल दिए हैं, इसको हम पका लेंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रहे एक कनी का, फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब इसमें से बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसको हम रख देंगे, देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम लीड लगा देंगे, 5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल किया करेंगे चावल को, फिर हम आपको बाद में दिखाएँगे। एक तरफ हम दूसरा पैन चढ़ा दिए हैं, उसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। अब इसमें हम मेवे को रोस्ट कर लेंगे, सारे मेवे को हम एक साथ में ही रोस्ट कर लेंगे, सब हम डाल देंगे पैन में। इसको हम सीलो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अब इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे खुशबू आने तक, थोड़ा इसमें कलर चेंज हो जाए, बस तब तक हमको रोस्ट करना है। ये 2 मिनट में रोस्ट हो जाएगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करेंगे, और हाथ को हम बंद नहीं करेंगे, नहीं तो मेवा हमारा जल जाएगा। और आप लोग ये 11वीं शरीफ पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा कलरफुल जर्दा बनता है, इस पर आप लोग ज़रूर नियाज दिलाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर ऐसे फ्राई करके हम इसको डालते हैं कोई भी चीज़ में, तो इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा। ये देखिए ये रोस्ट हो गया है मेवा हमारा, और देखिए किशमिश सारी फूल गई हैं। बस इसको हम अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसका कलर हमको इसी तरीके का चाहिए, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए चावल हमारा अच्छे से पक गया है, और चावल देखिए माशाल्लाह कितना लंबा है, और चावल ये अच्छे से पक गया है, एक कनी इसमें बाकी है बस। और ये चावल हमारा 3 मिनट लगा है पकने में, क्योंकि इसको हम भिगा दिए थे, तो इसके लिए जल्दी पक गया है। अगर आप लोग इसको नहीं भिगाएंगे तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा पकने में, अगर भिगा देंगे तो 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। अब इसको हम छान लेंगे। अब एक छलनी हम रख लिए हैं, इसी के अंदर हम छान लेंगे चावल को। ये देखिए चावल हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, इसमें हम ठंडा पानी डाल रहे हैं, इसके डालने से चावल हमारा गलता नहीं है, और चावल हमारा खिला खिला रहता है, ज़र्दा हमारा बहुत अच्छा बनता है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। अब एक तरफ हम दूसरा स्टेप आपको दिखा रहे हैं। पैन हम चढ़ा दिए हैं, पैन हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। इसमें थोड़ा हम ज़्यादा घी डाल रहे हैं, जर्दे में घी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें हम घी डाल दिए। और हम 2 हरी इलायची डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जर्दे में, और घी में भी अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा इसका। 2 हम इलायची डाल देंगे, हरी इलायची है ये, इलायची हम डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हम उसको रोस्ट करेंगे। ये शक्कर है, 1 गिलास हम शक्कर लिए हैं, और इससे हम मेज़र किए थे, 1 गिलास हम चावल भी लिए थे और 1 गिलास हम शक्कर लिए हैं, और इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच चाय का चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच हम शुगर इसमें कम किए हैं,
तो इससे थोड़ा मीठा कम हो जाएगा। अगर आप लोगों को बराबर चाहिए तो आप लोग बराबर चावल के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं। अब इसमें हम शुगर डाल देंगे और इसकी हम कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही हमको लेयर लगाना है। अब चावल जो भी बचा है हम सब डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम शुगर डाल देंगे। अगर जो लड़कियां जैसे नहीं बना पाती हैं, हमारे तरीके से हमारी रेसिपी आप लोग देखकर बनाएंगे और इस तरीके से मेजर करेंगे तो आप लोगों की रेसिपी एकदम अच्छी बनेगी, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर ख़राब भी होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, थोड़ा इसको हम अब लीड लगा देंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, हम 2 से 3 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये चाशनी का पानी है इसमें निकल रहा है। इसको हम ड्राई होने तक पकाएंगे, फिर हम लीड लगा देंगे, 2 मिनट बाद आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, शुगर का पानी एकदम से अच्छे से सूख गया है, अब इसमें नहीं है पानी। ये देखिए, अच्छे से चाशनी इसमें सूख गई है, ड्राई हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा मेवे डाल देंगे, फिर हम बाद में डालेंगे डेकोरेट में। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमको हल्के हाथ से मिक्स करना है, नहीं तो चावल हमारा टूट जाएगा। बस इसको हम पलट देंगे हल्के हाथ से चम्मच से। ये देखिए, एकदम आसानी से हम पलटेंगे। अब इसमें हम कलर डाल देंगे। ये देखिए, हम कलर लिए हैं, ग्रीन कलर डाल रहे हैं, रेड फूड कलर है, अरे ग्रीन फूड कलर है ये। अब ऐसे हम साइड साइड में डालेंगे और ये रेड फूड कलर है, इसको हम डाल देंगे, इससे ज़रदा हमारा कलरफुल बनेगा। और ये येलो फूड कलर है, इसको हम डाल देंगे और टच नहीं करेंगे, इसको हम बाद में आपको 2 मिनट के बाद दिखाएँगे। 2 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमारा चावल अच्छे से पक गया है। अब इसको हम हल्के हाथ से पलट देंगे और ये चावल टूटेगा नहीं, क्योंकि ये चाशनी में पक जाता है तो चावल हमारा टूटता नहीं है। हम एकदम हल्के हाथ से इसको पलट रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कलर कितना अच्छा है, एकदम कलरफुल है। ये देखिए, हम एक बाउल में निकाल लेंगे और देखिए माशाल्लाह, कलर इसका बहुत अच्छा है, एकदम कलरफुल है और कितना खिला खिला चावल है इसका। इसी तरीके का चाहिए हमको और ये ज़रदा बहुत ही अच्छा बना है माशाल्लाह, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको हम काजू बादाम जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट है, इसको हम अच्छे से सब डेकोरेट कर देंगे और ये बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।